हेलो एवरी वन टू दिस वीडियो आई विल डिस्कस द टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंट वट इज मैनेजमेंट अकाउंट क्या होता है ये और कौन कौन से जो टॉपिक है हम इसमें कवर करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इसके टेक्निक्स रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट किस तरह के रोल को प्ले तो uh, so, सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम होता है अकाउंटिंग का हम इसको अकाउंटिंग का सिस्टम ही कह सकते हैं जो एक मैनेजमेंट को एक मैनेजर को अपने फंक्शंस को ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हेल्प करता है तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है जैसे अकाउंट्स के अंदर तो हम क्या करते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं जो मैनअली uh, जो अकाउंट बनाए जाते हैं सिस्टम के थ्रू बनाए जाते हैं तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ हमारी फिनेंशियल पोजिशन किस तरह की है हमारी इनकम स्टेटमेंट क्या है आ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट्स बनाने से पता चल जाती है लेकिन उन अकाउंट्स को बनाना ही सफिशेंट नहीं होता है अकाउंट्स से हमें ये एक पिक्चर क्लियर होती है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं लेकिन उसके बाद अगर हम फर्दर आगे मूव करना चाहते हैं या अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वहाँ पर मैनेज करने की जरूरत होती है वहाँ पर कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट और वो जो कंट्रोल है दैट कैन बी डू विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर की हेल्प करता है मैनेजमेंट की हेल्प करता है कई तरह के डिसीजन लेने में और अपने फंक्शंस को और ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करने में तो so, uh, इसके बाद आता है कि नेचर क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नेचर में कि जो मैनेजर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं क्या इसका स्कोप है सबसे पहला तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कई तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है इंफॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ बिजनेस के अंदर ही नहीं है ज़्यादा जो आउटसाइडर्स हैं जो आउटसाइड पार्टीज हैं उनको भी टाइम टू टाइम कई तरह की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैनेजमेंट को तो हेल्प मिलती ही है क्योंकि मैनेजमेंट को कई तरह के डिसीज़न लेने होते हैं तो वो जो डिसीज़न है वो इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर ईजीली लिए जा सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये क्लियर हो जाता है कि लाइक हमारे प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है उसकी हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है देन जो बैलेंस शीट है वो हमें क्या बताती है कि हमें जो हमारी फिनंशियल पोजिशन है कि हमारी एसेट्स कितनी है हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें फिनंशियल जो पोजिशन है उसका पता हमें बैलेंस शीट से चलता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो इसके रिगार्डिंग तो इन्फॉर्मेशन देता ही और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है क्योंकि उसको फर्दर डिसीज़न लेना है कि अगर हम लोग लॉसेस में जा रहे हैं तो लॉसेस को कैसे कम किया जा सकता है अगर प्रॉफिट हमारे पिछले पिछले ईयर्स के कंपैरेटिवली कम है या ज़्यादा हैं तो उनके रीज़न क्या हैं सेकेंड ये जो कवर करता है इसके स्कोप में आ, जो आता है कॉज एंड इफेक्ट रिल एनालिसिस करता है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अगर जो रिजल्ट हमारे पास है जो इंटरप्रेट हमने किया है तो उनके कॉजेज क्या थे कि अगर हमें लॉस हुआ तो उसका रीजन क्या था अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा है तो उसका क्या रीज़न है तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिल जाती है यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड कंसेप्ट तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं बहुत सारी ऐसी कंसेप्ट होती है जिनका यूज़ करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लाइक जैसे हम लोग रेशो एनालिसिस की बात कर सकते हैं रेशो आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट हो सकती है आ, देन इसके अलावा कॉमन साइज स्टेटमेंट है या कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो सकती है तो ये सारी आ, जो टूल्स एंड टेक्निक्स हम ले सकते हैं इनको जिसकी वजह से एक मैनेजर के लिए बिजनेस को मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाता है टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीज़न मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जैसे अगर हमें अपने कैपिटल को रेज करना है इट शुड बी रेज विद द हेल्प ऑफ इट शुड बी रेज विद द हेल्प ऑफ शेयर कैपिटल और वी कैन यूज़ डेफ्ट बोरड फंड तो इसमें हमें दोनों के दोनों का कंपेरिजन करना होगा uh, उन दोनों की जो एडवांटेजेस हैं उनके जो मेरिट हैं या क्या डी मेरिट्स हो सकते हैं कैसे मान लीजिए वो रिस्की हो सकता है तो अलग अलग पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उन सबको एनालाइज़ करना होता है इसके बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें पैसा शेयर कैपिटल के थ्रू कलेक्ट करना चाहिए या हमें बोरर फंड का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए तो ये भी डिसीजन जो होते हैं वो सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ही लिए जाते हैं अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव हम कोई बिजनेस में अगर कोई भी काम किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई टारगेट होता है कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम काम कर रहे हैं हर एक पर्सन चाहे वो वहाँ का मैनेजर है चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव है या इम्प्लॉयज़ हैं तो बिज़नेस के टारगेट को अचीव करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो टारगेट को अचीव करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नो फिक्स नॉर्म्स फॉलोज जैसे अगर हम नॉर्मल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है लाइक अकाउंट्स बनाने के लिए लाइक अगर हम पी एंड एल बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें शेड्यूल्स को फॉलो करना होगा हमें बैलेंस शीट को बनाना है तो कुछ शेड्यूल फॉलो करनी होती हैं लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इस तरह के कुछ ऐसे नॉर्म्स नहीं हैं कोई ऐसे नॉर्म्स फिक्स नहीं किए गए हैं जिनको फॉलो किया जा सके तो ये है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं देन uh, इसके बाद है uh, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है नेक्स्ट uh, है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एरा है जो स्कोप है तो उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे सबसे पहला फिनेंशियल uh, अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है फिनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं क्योंकि जो बिज़नेस मैन है वो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद अपनी फिनंशियल पिक्चर को देखना चाहेगा कि कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं प्रॉफिट उसको हो रहे हैं उसको लॉसेस हो रहे हैं उसकी एसेट्स कितनी हैं उसकी लाइबिलिटीज कितनी है उसने एक्सटर्नल पार्टी से कितना पैसा लेना है उसने एक्सटर्नल पार्टीज को कितना पैसा देना है तो वो फिनंशियल अकाउंटिंग से करना पॉसिबल होता है जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंटिंग का जो कवर होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर वो आता है कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर कॉस्ट की बात हो रही है तो यहाँ हमें कॉस्ट को एनालाइज करना क्योंकि कॉस्ट को मिनिमाइज करने के एफर्ट्स किए जा सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात होती है तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग जैसी टेक्निक्स हैं जिनकी जिनके, जिनके थ्रू कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिनेंशियल मैनेजमेंट फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है फिनांस को मैनेज करना तो so, फिनांस को कैसे मैनेज किया जा सकता है इसमें भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं लाइक कैपिटलाइजेशन के बारे में डिसीजन लिया जाता है देन uh, इसके अलावा हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हो सकता है देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स आती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट है फंड फ्लो फ्लो स्टेटमेंट है रेशो uh, एनालिसिस होता है तो वो सारे फिनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं क्योंकि तो फिनांस को हम कैसे मैनेज करेंगे कितना हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए एक फेयर कैपिटल कैपिटलाइजेशन की जो सिचुएशन है तो वो हमें रिक्वायर्ड होती है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली हम किसका कॉम्बिनेशन लेते हैं डेट एंड कैपिटल का तो कितने डेट होना चाहिए कितने कैपिटल्स होने चाहिए तो इनके रिगार्डिंग जो डिसीजन होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नेक्स्ट uh, है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग डीज आर रिलेटेड टू फ्यूचर ये फ्यूचरिस्टिक होते हैं फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं हम जो बजट है वो फ्यूचर के लिए बनाते हैं तो फ्यूचर के लिए हम लोगों ने बजट बना लिया इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है तो सरप्लस और डेफिशंसीज को फाइंड आउट किया जाता है तो उनके पीछे क्या रीजंस थे उनको हम जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट है इन्वेंट्री को कंट्रोल करना इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है कि हमें जो आ, कितना मिनिमम इन्वेंट्री का लेवल हमें अपने पास रखने की जरूरत है कितना जो लेवल है कि हमें अपने जो कस्टमर्स हैं उनके नीड को हम सेटिस्फाइड कर सके तो ना तो इन्वेंट्री हमारे पास जरूरत से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही जरूरत से कम होनी चाहिए अगर ये एक लेवल से ज्यादा हो जाती है तो हमारा जो मनी है उसके अंदर ब्लॉक हो जाता है मतलब क्योंकि इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का जो प्रोसीडिंग होती है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट तो इसके बाद जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है तो इसमें मैनेजमेंट को कई तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है उनको रिपोर्ट करना होता है क्योंकि मैनेजमेंट को फर्दर आगे डिसीजन लेने होते हैं इंटरनल ऑडिट भी इसके अंदर आता है इसके स्कोप में इसको भी हम इंक्लूड करते हैं इंटरनल ऑडिट का मतलब ये है कि हम अपने अकाउंट्स को अपने आप ही वेरीफ़ाई कर रहे हैं हम बाहर से किसी पर्सन को पहले नहीं बुलाते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर तो बाद में आकर हमारे अकाउंट्स को चेक करेगा लेकिन हम इस चीज़ से सेटिस्फाइड होना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो अपने अकाउंट्स बनाए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है उनमें किसी भी तरह की डेफिशेंसीज़ नहीं है मतलब हमने कोई भी ऐसे गलत प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है हमने प्रॉपरली अपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं किसी भी तरह का मैनिपुलेशंस नहीं है कोई भी गलतियां हमने नहीं की हैं तो वो सब इंटरनल ऑडिट से फाइंड आउट हो सकता है तो इंटरनल ऑडिट होने के बाद ही हम एक्सटर्नल ऑडिट की बात कर सकते हैं नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग तो टैक्स अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है इसके स्कोप में इसको भी हम इंक्लूड करते हैं टैक्स अकाउंटिंग क्यों की जाती है हर एक बिजनेस को अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है टैक्स की जो कैलकुलेशन uh, होती हैं वो हमारी इनकम टैक्सेबल इनकम अलग होती है और अकाउंटिंग इनकम अलग होती है कि जो हमने इनकम अदरवाइज अर्न की है तो वो सारी टैक्सेबल नहीं होती है उसमें से कुछ डिडक्शंस की जाती हैं तो टैक्स अकाउंटिंग के पर्पज से भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो काफ़ी ज्यादा हेल्पफुल होता है मीन्स हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर टैक्स अकाउंटिंग को भी इंक्लूड करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाती है तो इसके इसमें भी हम आ, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मूलेशन कि जब मैनेजर को प्लान करना होता है फ्यूचर के लिए कोई पॉलिसी फॉर्मूलेट करनी है तो उनको कई तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है प्लानिंग करना लाइक like अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिसीजन लेना है Uh, या कैपिटलाइजेशन के बारे में उनको डिसीजन लेना है तो दिस कैन बी पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ इफ़ इंफॉर्मेश आर अवेलेबल टू दैम अगर इन्फॉमेशन होंगी तभी वो फर्दर आगे इस तरह के डिसीजन ले पाएंगे और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प uh, में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंसेस जो परफॉर्मेंसेस हैं हमारी परफॉर्मेंस हमारी जो हुई है तो उसको कंट्रोल करने में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि तो लाइक अगर हमारी कॉस्ट हमारे जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है अगर वो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था अगर एक्चुअल कॉस्ट हमारी ज़्यादा है तो हम उन रीजनस को फाइंड आउट करते हैं और उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो इससे क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो पहले की कंपेरिटिवली इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजिंग में भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग में हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करना होता है हर एक जो, जो भी जो भी चीज है मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर तो एक सही प्लेस पर होनी जरूरी है तो ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू करना इसको पॉसिबल होगा हेल्पफुल इन इंटरप्रिटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में भी हेल्प करता है क्योंकि जो फिनंशियल इंफॉर्मेश होती हैं अगर तो हम एज इट इज उनको प्रेजेंट कर देते हैं तो वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती है मतलब इतनी ज़्यादा वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए कुछ ऐसा ज्यादा बेनिफिट हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे लाइक अगर आप किसी बिजनेस की बैलेंस शीट को देखते हैं या पी एंड एल को देखते हैं तो आप कोई रिजल्ट कंक्लूड नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर आप उसका एक कंपैरेटिव बना लेते हैं कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप कुछ रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हो लाइक ये जो कंपैरिजन है वो इंट्रा फर्म या इंटर फर्म हो सकता है अगर इंट्रा फर्म है तो हम लास्ट ईयर से लेकर मतलब तो कुछ ईयर्स का हम कम्पेरिजन कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली आज की डेट में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अगर हम इंटर फर्म की बात करें तो दूसरी फर्म्स के कंपैरेटिवली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही फिनंशियल uh, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है देन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज इम्प्लॉयिज़ को मोटिवेट करने में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अब इम्प्लॉयिज़ को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है मैंने अभी कोस्ट की बात की थी तो कोस्ट में अगर एक उनके लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है और जो पर्सन जो एम्प्लॉय उस स्टैंडर्ड विद इन द स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड को वो अचीव कर लेते हैं तो उनको कई तरह के इंसेंटिव दे सकते हैं तो जब उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे तो इम्प्लॉयज अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं और वो और ज्यादा एफिशियंटली काम करना स्टार्ट कर देते हैं मीन्स अगर उनके सजेशन को सुना जाता है उनकी कंप्लेंट्स को सुना जाता है उनके सजेशन को इम्पलीमेंट किया जाता है तो इम्प्लॉयज ऑब्वियसली वो और ज्यादा मोटिवेट होते हैं और, और ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशेंटली वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने में भी हेल्प करता है मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह के डिसीज़न लेने में रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सब सब कुछ जो है वो उनकी जो रिपोर्टिंग है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू होती है कोऑर्डिनेशन में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग एरियाज हैं जो अलग अलग इम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको कोऑर्डिनेट करके रखने की ज़रूरत है कि हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का असेंस माना जाता है आ, किसी भी बिजनेस का असेंस हम मान के चल सकते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मैनेजमेंट को ज़ीरो मान सकते हैं तो कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है और कोऑर्डिनेशन जो है वो सिर्फ एक फंक्शन के टाइम भी रिक्वायर्ड नहीं होता है मैनेजमेंट के अगर हम प्लान कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग कर, कर रहे हैं हम स्टाफिंग है डायरेक्टिंग है कंट्रोलिंग है तो हर एक फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है और कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू मतलब इसको अचीव करना भी इसका मेन मोटिव होता है हेल्पफुल इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तो टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको अचीव करने में हेल्प करता है नेक्स्ट uh, है टूल्स और टेक्निक्स क्या होती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका यूज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है तो इसमें जो फर्स्ट है दैट इज फिस्कल फिजकल फिनंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फिनंशियल पॉलिसी फिनांशियल पॉलिसी का मतलब होता है कि बिजनेस फिनंस कहाँ से लेगा उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई जाती है तो बिजनेस को कई तरह के फिनांस की रिक्वायरमेंट होती है लाइक शॉर्ट रन के लिए हो सकता है लॉन्ग रन के लिए हो सकता है और ये भी फिनांस जो आ, वो आ, उनको जो कलेक्ट करेगा उसके भी अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं सोर्सेज में डेट हो सकते हैं जिसको हम बोर फंड कहते हैं और या फिर कैपिटल कैपिटल मीन्स जो हमारी ओन्ड होती owned है ओन फंड होते हैं तो उनका यूज हम कर सकते हैं अगर हम बोरड फंड बोरर फंड का यूज करेंगे तो उसके ऊपर हमें क्या पे करना पड़ेगा वी हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर दैट और अगर हम कैपिटल का यूज़ करते हैं तो हमें क्या पे करना पड़ेगा वी हैव टू पे डिविडेंड फॉर हमें डिविडेंड देना पड़ेगा जो बोरड फंड होते हैं उनके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एंड वी ऑल नो जो इंटरेस्ट होता है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की वो हमें हर कंडीशन में देना पड़ेगा इधर हमें प्रॉफिट हो या हमें लॉस हो तो हमें डेट के ऊपर तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा हर कंडीशन लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करें कैपिटल शेयर कैपिटल तो ये जो होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर माने जाते हैं तो उनको जो कंपनी पे करती है वो डिविडेंड पे करती है और डिविडेंड तभी पे किया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होते हैं तो हमें इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखने की ज़रूरत होती है हमें डिसाइड करना होता है कि हमें जो टोटल फंड हमें रिक्वायर्ड है कितना पार्ट हम डेट से कलेक्ट करेंगे कितना हमें कैपिटल से लेना है और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा तो ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग है देन नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ एनालिस स्टेटमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट को सिर्फ प्रिपेयर करना ही सफिशियंट नहीं होता है उनको एनालाइज करना भी रिक्वायर्ड होता है तो एनालाइज करना भी एक टूल हम मान सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्टेटमेंट को एनालाइज करना ये सब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर या रेशो एनालिसिस के थ्रू या हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाकर कंपैरेटिव कॉमन साइज तो इन सब के थ्रू हम उनको एनालाइज कर सकते हैं लाइक अगर हम एग्जांपल ले कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें अलग अलग एक्टिविटी से कैश के फ़्लो के बारे में बताता है लाइक like, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश का फ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग uh, एक्टिविटी से कैश का कितना फ्लो है फिनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश का फ्लो है तो ये सब कुछ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाएगा ठीक है तो इससे क्या क्लियर हो जाता है कि हमें ये क्लैरिटी मिल जाती है कि किन एक्टिविटी से हमें कैश का कितना फ्लो होगा मतलब इन्वेस्टमेंट की वजह से ज़्यादा हम अर्न कर पा रहे हैं या हम फिनंशियल एक्टिविटी से ज़्यादा कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्लियर हो जाती है एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने होती है तो ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ही होता है नेक्स्ट uh, आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये है कि हिस्ट्री की कॉस्ट मतलब जो लास्ट कुछ जो कॉस्ट है जो हम लोग ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं तो उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है जैसे अगर हमने कोई आ, बिल्डिंग खरीदी है कोई मशीनरी खरीदी है तो उसको हम बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो फिर उसके बाद उसके जो मार्केट वैल्यू है उससे हम कंपैरिजन करते हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टूल है नेक्स्ट आता है बजटरी कंट्रोल बजटरी कंट्रोल बेसिकली फ्यूचर के लिए होता है हिस्टोरिकल जो पास्ट पर बेस्ड है और अगर हम बजटरी कंट्रोल की बात करें तो ये फ्यूचर पर बेस्ड है तो इसमें हम फ्यूचर के लिए बजट बनाते हैं बजट के अंदर Uh, हम फ्यूचर के इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टीमेट्स लगाते हैं और ये देखते हैं कि हमें कितना सरप्लस या कितनी डेफिशेंसीज हो सकती हैं तो फिर बजट बनाने से हमें क्या फायदा मिलेगा कि हम फ्यूचर में ये चेक कर सकते हैं कि क्या बजट एज पर बजट मतलब हम लोगों ने अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया तो इससे भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आता है ये बेसिकली कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया है कॉस्ट का उसको हम एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं और डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारी जो कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है या एक्चुअल कॉस्ट से कम है अगर तो वो एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है और अगर वो हमारी टोलरेबल लिमिट के अंदर है तो हम उसको फिर भी अपनी फेवर में मान सकते हैं लेकिन अगर स्टैंडर्ड्स जो था वो स्टैंडर्ड uh, कॉस्ट हमारी कम थी बट हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हुई है तो वो सिचुएशन हमारे लिए रिस्की हो सकती है कि जब वो टॉलरेबल लिमिट के अंदर नहीं होता है मार्जिनल अकाउंटिंग मार्जिनल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है इसको हम वेरिएबल कॉस्ट अकाउंटिंग भी कह सकते हैं इसमें कॉस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है एक तो होती है फिक्स कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट को तो हम इग्नोर करके चलते हैं क्यों क्योंकि देखो अगर हम हमारा कोई बिजनेस है हम लोगों ने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है हम प्रोडक्शन करें या ना करें हमें बिल्डिंग का रेंट तो पे करना ही पड़ेगा अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि इसमें ये होता है कि अगर हम ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़नी शुरू हो जाती है अगर हम कम यूनिट को प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम हो जाती है तो हमें यह चेक करना होता है कि हर एक मतलब एक यूनिट के बढ़ाने पर एक यूनिट के प्रोडक्शन करने पर तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंजेस आते हैं तो वही जो चेंजेस होंगे वो टोटल कॉस्ट में होंगे क्योंकि फिक्स तो फिक्स ही है वो तो होनी ही है तो मार्जिनल अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टूल होता है जिसकी हेल्प से जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल कर सकती है डिसीजन अकाउंटिंग डिसीजन अकाउंटिंग में कई तरह के डिसीजन होते हैं जो मैनेजमेंट को लेने होते हैं तो ये भी जो होता है मैनेजमेंट का जो काम होता है वो डिसीजन लेना होता है तो मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं उनमें से उनको बेस्ट वन को चूज़ करना होता है और ये जो है ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं लाइक like अगर हम लोगों को किसी एसेट की रिक्वायरमेंट है तो हमें डिसीजन लेना होगा कि क्या हमें एसेट को अपनी एसेट को बोरो करना चाहिए या अपने एसेट को परचेज करना चाहिए या हम उसको बाहर से रेंट पे ले सकते हैं आ, या हम उसको लीज पर ले सकते हैं तो ये जो डिसीजन होते हैं वो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ही आते हैं कि क्या खुद हमें अपने एसेट को परचेज कर लेना चाहिए या हमें उसको रेंट पे ले लेना चाहिए तो दोनों में से जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा तो उसे हमें ऑप्ट करना होता है फिर आता है रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग तो रीवैल्यूएशन में क्या होता है बेसिकली हम इसको रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग भी कह है सकते हैं तो इसके अंदर जैसे अगर हम किसी एसेट को परचेज करते हैं हम बुक्स के अंदर उस एसेट को उसी वैल्यू पर दिखाते जाते हैं एप्रीशियशन हम हर साल उसमें से डिडक्ट कर देते हैं लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू तो अलग होती है तो टाइम टू टाइम जब हमने अपनी एसेट को रिप्लेस करना होता है तो हमें उसकी मार्केट वैल्यू को जानने की जरूरत होती है और वो हम रिवैल्युएशन अकाउंटिंग में क्योंकि अगर आप किसी एसेट को रिप्लेस करना चाहते हो लाइक लाइक अगर आपने 10 साल पहले किसी एसेट को परचेज किया था वो वन लैख की थी लेकिन अगर आप आज की डेट में उसको परचेज करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू पे टेन लैक फॉर दैट आपको कम से कम दस लाख तो देना पड़ेगा एंड रिवेल्युशन अकाउंटिंग में हम रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग ही करते हैं फिर आता है कंट्रोल अकाउंटिंग कंट्रोल अकाउंटिंग कोई अलग से ऐसा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर तो आता है इसमें हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करना है आ, हमें अपने अगर हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उसको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है तो कंट्रोल इन, जो, जो अकाउंटिंग है ये कोई अलग से अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है इसमें कुछ कंट्रोल डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं लास्ट आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि जैसे आज के टाइम में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं अपने अकाउंट्स सिस्टमेटिकली प्रिपेयर कर सकते हैं ज़्यादा एक्यूरेटली हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं लाइक तो अगर हम टैली का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि टैली में क्या होता है कि अगर आपने एक जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया तो अपने आप फर्दर आगे लेजर बन जाता है अपने आप ही उसके सारी जो जो भी उसकी ट्रीटमेंट्स है वो अपने आप हो जाते हैं मतलब बैलेंस शीट तक उसका सारा का सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर अलग अलग आपको पहले जर्नल में रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर उसके बाद लेजर में करने की पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली सारी जो ट्रांजेक्शन है अपने आप ही हो जाती हैं तो एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इम्पोर्टेंट टूल है और ये कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं नेक्स्ट है अब आता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन है मैनेजमेंट uh, अकाउंटेंट जो होते हैं यहाँ पर अकाउंटेंट्स की बात हो रही है मीन ये किसी पर्सन से रिलेटेड है तो इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे ये एक ऐसा पर्सन होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सप्लाई ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट कि वो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की सप्लाई करता है उसको मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं और इसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हम अलग अलग नेम से भी बोल सकते हैं लाइक like कंट्रोलर हो सकते हैं क्योंकि कंट्रोल करना ही इनका काम है कंट्रोलर हो सकते हैं चीफ अकाउंटेंट हो सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं और फिनेंशियल कंट्रोलर हो सकते हैं तो बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं तो वो पर्सन है और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो मैनेजमेंट को कई तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि तो मैनेजमेंट को भी बहुत सारे डिसीजन लेने लेनेक्स्ट है फंक्शन uh, क्या हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन कौन से फंक्शंस को प्ले करता है कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के थ्रू प्ले किए जाते हैं सबसे पहला है प्लानिंग फॉर कंट्रोल कि कंट्रोल करने की वो प्लानिंग कर। हैं ऑब्वियसली क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या है मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो कि मैनेज manage, को मैनेजमेंट को के रिगार्डिंग वो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है कंट्रोल करने के रिगार्डिंग वो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है तो इसमें जो होता है उसका जो मेन मोटिव होता है मेन फंक्शन होता है वो कंट्रोल करना होता है जैसे मैंने अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की है मैंने रेशो एनालिसिस के बारे में बताया है तो ये सब कंट्रोल करने के लिए तो होते हैं जैसे अगर हम रेशो एनालिसिस का ही देखें लाइक ये रेशो एनालिसिस में चार तरह के रेशोज़ हम लोगों ने पढ़े हैं लाइक लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशोज़ होते हैं सोलवेंसी रेशोज़ हैं प्रफिटेबिलिटी रेशोज हैं टर्न ओवर रेशोज़ हैं तो अगर हम लिक्विडिटी रेशोज़ का देखें तो जैसे इसमें करंट रेशो आता है तो करंट रेशोज क्या बताते हैं हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के प्रोपोर्शनेट को बताते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से कितना टाइम ज़्यादा होनी चाहिए तो इसका हम लोगों ने ये भी पढ़ा है इसका जो आइडल रेशो होता है दैट इज़ टू रेशो वन तो टू रेशो वन क्या बताता है कि हमारी जो करंट एसेट है वो करंट लाइबिलिटीज का टू टाइम होना रिक्वायर्ड है कि कम से कम दो गुना होनी चाहिए क्यों दो गुना होने चाहिए क्योंकि हमें करंट लाइबिलिटीज़ को पे करना होता है अगर करंट एसेट हमारे पास सफिशेंट होंगी तभी हम करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर पाएंगे तो इससे जो हमारी लिक्विड पोजिशन है वो अच्छी हो जाती है तो लिक्विड पोजिशन अगर हमारा रेशो इस आइडल रेशो से कम होना शुरू हो जाता है लाइक अगर ये रेशो जीरो पॉइंट फाइव रेशो वन हो जाता है तो अगर जीरो पॉइंट फाइव रेशो वन हो गया तो उस केस में क्या हुआ हमारी करंट लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई और करंट एसेट हमारी कम है तो हम अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पाए डैट मीन्स जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो बेसिकली कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए प्लान करते रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग तो अभी हमने इसकी डिफाइन में भी किया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिकली इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होता है कि ये मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनको रिपोर्टिंग करता है इवेलुएटिंग कि जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो उनको इवेलुएट करना इवेलुएट करना उनको आ, उनको इंटरप्रेट करना आ, देखना कि क्या कमियां हैं और कहां पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वह सब मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के थ्रू ही किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स टैक्स के रिगार्डिंग जो टैक्स के कैलकुलेशंस हैं टैक्स जो uh, कैसे हमने पे करना है तो वो उनके रिगार्डिंग भी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के थ्रू दी जाती हैं अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट बाहर से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो उसका अप्रेजल भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट के थ्रू किया जाता है तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिज़नेस के अंदर और एसेट को प्रोटेक्ट करने में भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है uh, नेक्स्ट आता है ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो ये ऑलमोस्ट वो सारी सिमिलर ही हैं कि एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या फंक्शन प्ले करता है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की होती है तो ऑलमोस्ट वो सारी सिमिलर है कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है देन uh, वो इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करता है इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और इन्फॉर्मेशन की रिपोर्टिंग करता है कलेक्शन करने का काम उनको इवेलुएट करने का काम उनको इंटरप्रेट इंटरप्रेट मतलब इजी और सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उनको प्रेजेंट करना होता है रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की ड्यूटी होती है तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल so this was all about management accounting i hope uh, you have understood the topic thank you